खबर मधुबनी के खुटौना प्रखंड के मझौरा पंचायत की है, जहां पथराई गांव में नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि परवीज आलम ने ग्रामीणों के सहयोग से 5 दिवसीय मेला मुहर्रम चालीसामा दाह का भव्य आयोजन किया। इस मौके पर आकर्षण ढंग से सजाकर गाजी बाजे के साथ ताजिया स्थापित की गई। मेले में कई प्रकार के खेल का आयोजन होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय समेत तमाम अतिथियों ने किया। इस अवसर पर मेला कमेटी ने अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया। मेले में खिलाड़ियों ने अपना एक पर एक खेल दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मेला देखने के लिए उमड़ पड़ी। पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने बताया कि यह मेला सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। इस मेले का आयोजन करने के लिए कमेटी के सदस्यों का तारीफ करते हुए कहा कि इस मेले में सभी धर्मों के लोग शामिल होकर एकता का परिचय देते हैं। देखिए, ये आज जो खुटौना प्रखंड के अंतर्गत जो मझौरा गांव में 40वां दाहा का आयोजन किया गया, ये पूर्णतया सामाजिक सौहार्दता के प्रतीक है और सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, और सारे लोग यहाँ, सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग सब मिलके सामाजिक सौहार्दता के रूप में ये दाहा जो महोत्सव है मनाया जा रहा है, इससे सामाजिक सौहार्द और मजबूत। महागठबंधन की तरफ से तमाम जनताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। यह मेला मुहर्रम चालीसवां दाहा के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में इस बार पहली बार यहां मझौड़ा पंचायत में, मझौड़ा गांव में मेला का आयोजन हुआ है। निश्चित तौर पर यह मेला एक समाज में के प्रति संभावनाओं का मान और सम्मान खेल के लिए है और खिलाड़ियों के लिए, जहाँ के खिलाड़ी आए हुए हैं, ये एक एक अपना अपना जो खेल का प्रदर्शन होता है निश्चित तौर पर यहाँ अच्छा से दिखाएंगे। और ये खेल एक भाईचारा का प्रतीक है। इसमें आप देख सकते हैं, अभी सामने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग जितने भी आपस में इलाके के गणमान्य लोग थे, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, एक मिल करके, ये नहीं है कि मुस्लिम का मेला है तो हिंदू नहीं है।